हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ लक्ष्मी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज का दिन बहुत ही अच्छा है और मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। आप लोग सोचते रहेंगे क्यों हंस रही है। ये वीडियो एक्चुअली मुझे बहुत टाइम पहले बनाना था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं बोलूँ नहीं बोलूँ क्या कैसे। तो जब से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे चैनल अपना, तो पहले तो मेरा कुकिंग चैनल था, मतलब मैं रेसिपीज़ अपलोड करती थी। तो मैंने देखा कि रेसिपीज़ में मतलब ज़्यादा लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा था या क्या। फिर मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉगिंग अपलोड मतलब ब्लॉगिंग बनाती हूँ डेली रूटीन का। तो रेसिपी अपलोड करती थी तो डिसलाइक नहीं आता था मुझे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ना कि वो मैं हूँ या मैं अपना रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। जब से मैंने ब्लॉगिंग चैनल अपलोड किया तो उसमें मैं मतलब मेरा सामने से फ़ोटो जा रहा है थंबनेल पे, तो लोगों को पता चल रहा है कि ये हाँ लक्ष्मी का वीडियो है, लक्ष्मी का चैनल है। तो ना तब से ना मुझे डिसलाइक मिल रहा था। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, मतलब कौन डिसलाइक दे रहा है ऐसे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किसको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा। तो सडनली कुछ कमेंट्स आने लगे, वो भी जिनको मैं जानती उन लोगों का। इतना गंदा कमेंट, इतना भंगार कमेंट, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था। तो मैं बहुत एकदम उदास हो गई थी वो टाइम पे, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने फैमिली मेम्बर से शेयर किया ऐसे ऐसे बात है, ये व्यक्ति को मैं जानती हूँ और ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसे बोल रहा है। तो उसने बोला, पहले तो बोले भाई फ़ोन करके बात कर या क्या, फिर बोले जाने दे छोड़। तो फिर मैंने इग्नोर किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि ऐसे लोगों को ब्लॉक कैसे करते, हाइड कैसे करते। तो मैंने वो इंसान को कर दिया। तो उसका कमेंट तो अभी मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ, मेरा चैनल है, तो मैं कर सकती हूँ ऐसे। और फिर बाद में देखा तो वो इंसान का आत्मा को शांति मिल ही नहीं रही थी, वो इंसान डिसलाइक तो दे ही रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब तुमको इतना मेरे से नफरत है, इतना मेरे से जलन है, तो तुम मेरा वीडियो देख क्यों रहे हो, आके मेरे चैनल पे क्यों सर्च करके आके देख रहे हो, क्यों डिसलाइक दे रहे हो, मत देखो ना। तो वो इंसान डिसलाइक दे ही रहा था। तो जब भी मैं डिसलाइक देखती थी तो मुझे और मतलब लगता था कि ये इंसान सुधर ही नहीं रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। तो अभी मैं क्या करूँ, ये इंसान का अभी समझ में नहीं आ रहा है। डिसलाइक का तो कुछ मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बस प्रेयर करती थी कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है बाइबल में कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है या बुरा चल रहा है तो तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तो मैं बस प्रेयर करती थी कि वैसे इंसानों को अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उनको समझ आए। क्योंकि मैं देखो पहले मैंने जैसे बोला था ना कि पहले मुझे मेरे अंदर जलन था, गुस्सा था, सब कुछ था, लेकिन जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, प्रभु में आ रही हूँ, मैं तो दूसरों का ध्यान ही नहीं रखती हूँ। मेरे को तो किसी का फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कौन क्या है कैसा है। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपने प्रभु में बहुत खुश हूँ, अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। तो मेरे को दूसरों का सोचने का तो टाइम बिल्कुल है भी नहीं। लोगों को पता नहीं इतना फालतू टाइम कैसे रहता है जो दूसरों का सोचते रहते हैं बैठ के। और फिर बाद में मैंने ऐसे बस मैंने प्रेयर किया तो प्रभु ने जवाब दिया। अभी यूट्यूब ने एक नया कंडीशन निकाल दिया, यूट्यूब ने डिसलाइक का बटन ही हटा दिया। अभी आप 50 बार उसको डिसलाइक करोगे तो भी हमको नहीं दिखने वाला। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इससे देखो देखने को क्या मिलता है, पता है कि जो कहते हैं ना, अगर तुम सच्चे हो, तुम मतलब ईमानदार हो, तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है। तो मैंने तो देखो किसी का बुरा नहीं सोचा, ना किसी का बुरा चाहा, लेकिन पता नहीं लोग क्यों दिल में करवाट लेके बैठ गए मेरे लिए कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ जैसी हूँ। ठीक हूँ भाई, तुम्हारी सोच है वो, तुम्हारी सोच को तो हम बदल नहीं सकते, है ना। तो सोच हर किसी की अपनी होती है, हम दूसरे के सोच के हिसाब से नहीं चल सकते। ना आप मेरे सोच के हिसाब से चल सकते हो, ना मैं आपकी सोच के हिसाब से चल सकती हूँ। आपके सोच के हिसाब से आप सही हो, मेरे सोच के हिसाब से मैं सही हूँ। गाइस, मेरे को ये बात आपसे बताना था। और जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर करो। देखो लाइक कमेंट शेयर में कैसे है ना, लाइक करोगे तो आप मेरा रेटिंग बढ़ेगा, रैंकिंग बढ़ेगा वीडियो का, और आप कमेंट करोगे तो उसका CTR बढ़ेगा। कैसा है ना, इससे कैसा है ना, दूसरे लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचेगा। अगर आप देखोगे, लाइक करोगे, तो ऐसा अगर आप देख रहे हो आधे में कट कर रहे हो, देखो फुल वॉच करने का क्या होता है ना कि मेरे को उसका वॉच टाइम मिलेगा, और आपका जो लाइक करोगे आप उससे मेरे को रैंकिंग बढ़ेगी मेरे वीडियो की। तो यूट्यूब कैसे नए नए लोगों के पास मेरे वीडियो को पहुँचाएगा। और YouTube पे ना कंडीशन है 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटा वॉच टाइम का। जब तक ये मैं पूरा नहीं करूँगी तब तक मैं मतलब YouTube पे अपना वो कुछ भी नहीं, उससे कुछ इनकम होगा भी नहीं मेरा। अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग सोचते रहेंगे कि ये YouTube पे चैनल है इसका, इसको पैसा आता होगा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अभी तक आ भी नहीं रहा ऐसा कुछ। उसका एक टारगेट है, वो मुझे पूरा करना है। तो वो टारगेट पूरा करने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज़।
आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करो और शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो और कमेंट करो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ ऐसे मत करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे कमेंट करोगे उतना मेरा CTR बढ़ेगा और मेरा चैनल का रैंकिंग बढ़ेगा। सो यूट्यूब नए नए लोगों तक मेरा वीडियोस पहुंचाएगा, सो उससे मुझे सब्सक्राइबर मिलने की चांसेस है। तो गाइस प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दिया करो, कमेंट आप लोग का लगता है कमेंट क्या करूँ, एक स्माइल वाला गुड्डा ही भेज दिया करो, तो प्लीज़ गाइस इतना तो करो प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।